भी बताइए क्या बिना शरणार्थी माने इनको भारत के संविधान की सुविधाएं मिल जाएंगी। और दूसरा, अब ये तमाम लोग जो इनके सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं भाई ये तो वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, हर आदमी को हमको जगह देनी चाहिए। तब क्या हुआ था जब जिन्ना ने पाकिस्तान मांग लिया था, तब ये देश वसुधैव कुटुंबकम वाला नहीं था? देखिए साहब, दुनिया भर में कुख्यात है ये रोहिंग्या, क्योंकि सबसे ज्यादा तस्करी में ये लोग लिप्त है, आर्म्स स्मगलिंग में ये लोग लिप्त है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्रग स्मगलिंग में ये लोग लिप्त हैं। अब इन्होंने याद रहे कि 1947 के पहले रोहिंग्या प्रांत की, बर्मा के रोहिंग्या प्रांत की पाकिस्तान में मिलने की बात की थी, चिट्ठी लिखी थी जिना को। उस वक्त जिना भी घबरा गए कि वो अब जो है बर्मा का इलाका नहीं लेना चाहते, नहीं मानना चाहते, उन्होंने भी ठुकरा दिया। फिर साहब इन्होंने वहां के बौद्धों के खिलाफ जो है वहां पे कहर ढाना शुरू किया, तो पलटवार तो होगा इनके ऊपर, इनको अब खदेड़ के वहां के लोगों ने निकाल के बाहर किया है। जब इन्होंने वहां के बौद्धों पे कत्लोगारत शुरू की तो इनको निकाला गया। ये रिफ्यूजी का तमाशा बनाकर भारतवर्ष में आने के यहाँ पे रोना धोना शुरू कर दिया, ठीक है, इनको कश्मीर में बसाया गया। और बिल्कुल ठीक कह रहे थे पंडित जी कि इनको हमारे आर्मी कैंप्स के साथ में बसाया गया, एज पार्ट ऑफ अ डेमोग्राफिक डेलिबरेट पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग केओस, ठीक है, कश्मीर स्टेट में गदर मचाने के लिए इनको वहां लाया गया। ये साहब मुंबई में थे, मुंबई में जाके इन्होंने हमला किया हमारे शहीद स्मारक के ऊपर, जो कि हमारे शहीद सोल्जर्स के लिए बना था, उस पर इन्होंने हमला किया। अब आप मुझे बताइए, ऐसे लोग जो तस्कर, जो स्मगलर, आर्म्स स्मगलर, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, नारकोटिक स्मगलर्स हैं, उनको कौन शरण देगा? और अगर इनको शरण की इतनी जरूरत है साहब, तो मुझे बताएं सऊदी अरेबिया क्यों नहीं गए, पाकिस्तान क्यों नहीं गए, तुर्की क्यों नहीं गए, ये यूनाइटेड अरब अमीरात क्यों नहीं गए, कतार क्यों नहीं गए, हैं? इतने हजारों मुस्लिम देश हैं यहाँ पे, इनको एक भारतवर्षी क्यों मिला यहाँ पे जो है ये अपना खबेड़ा बसाने के लिए? क्योंकि साहब जो नियत है उसमें खोट। अगर आप सीधे रिफ्यूजी बन के आ रहे हैं कि साहब हमें बड़ा नुकसान हुआ है, हमें बड़ा तंग किया है साहब, प्लीज हमारी मदद करिए, तो कोई आपको और नजरिए से देखेगा। लेकिन आप यहाँ आके हमारे शहीदों के पुतले और मूर्तियां तोड़ना चाहते हैं, आप जाके संजुआ के कैंप के साथ बसना चाहते हैं ताकि आप टेररिस्ट एक्टिविटीज में सपोर्ट दें, ठीक है साहब, आप जो है किसी मुसलमान मुल्क में नहीं जाना चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते? मुझे समझ नहीं आया, आप तुर्की क्यों नहीं जा रहे, आप सऊदी अरेबिया क्यों नहीं जा रहे, आप कतार, आप जो है, ठीक है।